पहली खबर पर विस्तार से आपको जानकारी दे दें कि राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने और जाने के लिए 3 अलग अलग द्वार तय करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया है। जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा को लेकर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। सीएम योगी लगातार जन्मभूमि की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोमवार को सीएम अयोध्या के दौरे पर भी थे, इस दौरान सीएम योगी ने निर्देश दिए। सीएम योगी का मुख्य फोकस देश भर से आ रहे आम रम भक्तों को सुगम दर्शन कराने का भी है। आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो, इसलिए अलग अलग लाइनें तय की गई हैं। अयोध्या को लेकर सीएम योगी का ये एक बड़ा निर्देश है कि वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के आने जाने के लिए 3 अलग अलग द्वार तय करने का निर्देश दिया गया है। 3 अलग अलग द्वार होंगे। जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की आवाजाही में सुविधा को लेकर सीएम योगी के निर्देश हैं। सीएम योगी लगातार जन्मभूमि की व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा कि जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी श्रद्धालुओं की, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। संकेत फोन लाइन पर जुड़ गया हमारे सहयोगी। संकेत, अब 3 अलग अलग लाइनें होंगी, 3 द्वार होंगे वीआईपी वीवीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए। कैसे इसको आने वाले वक्त में अप्लाई करवाया जाएगा और आने वाले वक्त में श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो सके, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या में, जो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो राम भक्त आ रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से राम मंदिर में दर्शन करने में दिक्कत ना हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठके करते हैं। अपने जो प्रमुख सचिव हैं उनको खुद स्थलीय निरीक्षण पर भेजते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा बैठक की और उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिए कि जो भी वीवीआई